पेड़ पौधों से लगाव सभी को होता है और सभी चाहते हैं लगभग कि हमारे अगल बगल ऐसे ही हरियाली बना रहे, सुंदर सुंदर प्लांट्स फूल खिलता रहे। प्राकृतिक ने हमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट गिफ्ट किए हैं दोस्तों, कलरफुल पत्तियों वाले फूल वाले प्लांट। बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, बहुत बीमारियों का निदान देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दोस्तों जो कि ऑक्सीजन युक्त होते हैं, घर के अंदर जो टॉक्सिन होती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर घर के अंदर हम प्लांट्स रखते हैं तो वो घर के बाहर टॉक्सिन निकालते हैं, चाहे वो घर के अंदर रखे चाहे बाहर। ऑक्सीजन से हमारा घर वातावरण शुद्ध और साफ हो जाता है। और इतने गुणों के बावजूद दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे जहरीले गुण भी पाए जाते हैं, जिससे कि हमें अपने बच्चों से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। हमें भी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, अगर हम पालतू जानवर रखे हैं तो उनको भी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो कौन कौन से वो सुंदर प्लांट्स हैं, मैं आप लोग के साथ आज 15 ऐसे सुंदर प्लांट शेयर करूंगी जो कि देखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, साथ साथ वो बहुत जहरीले भी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। पहला प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही खूबसूरत और एयर प्यूरीफाई प्लांट है, और खूबसूरत और एयर प्यूरीफाई होने के साथ साथ ये बहुत जहरीला भी है, क्योंकि इसकी सुंदरता जितनी है उतना ही ये जहरीला है। अगर इसको हम छोटे बच्चों के से आसपास रखते हैं तो इसे मुंह में ले लेते हैं, या फिर इसकी मुंह में डाल लेते हैं तो वहाँ इचिंग होने लगती है या फिर उनको उल्टियाँ होने लगती है। ऐसा ही बड़ों के साथ भी होता है, अगर उसे हम मुंह में लगा लेते हैं तो हमें भी उल्टियाँ होगी या फिर इचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जितना दिखने में सुंदर है, जितने इसके कलरफुल पत्तियाँ होती है, उतने ही ये खतरनाक प्लांट है, जहरीले प्लांट है। तो ये बच्चों से दूरी बनाए रखें, और अगर हम घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है तो सभी घर के अंदर भी रखते हैं सजावटी के तौर पर भी, और इसे ऑक्सीजन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो इस कारण हम घर के अंदर भी रखते हैं। लेकिन जब घर के अंदर रखते हैं तो छोटे छोटे बच्चों से इसकी दूरी बनाए रखें, साथ में हमें भी इसे अलर्ट रहना चाहिए ताकि हमें इसके कहीं इससे कहीं खतरा ना हो जाए। तो ये सुंदर के साथ साथ बहुत ही जहरीला प्लांट है। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट एक लकी प्लांट है जिसे क्योंकि सभी घर में रखते हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इससे धन वृद्धि होती है और इसको लगाना बहुत शुभ होता है। तो शुभ के साथ साथ दोस्तों अगर इसको भी हम मुँह में डाल लेते हैं तो ये भी बहुत जहरीला है, और इससे भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती है, इचिंग होने लगती है, कभी कभी तो ये खतरा बन जाता है, हमें जान भी ले सकता है। तो ये भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इसके साथ साथ खूबसूरती के साथ साथ ये हमें जहरीले प्लांट भी है, तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर हो, और हम बड़ों को इसे ऐसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हमें ये गलती से भी हमारे मुंह में या फिर कहीं मुंह के अंदर ना चला जाए। तो इसलिए ये सावधानियाँ बरतनी होती है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है और लकी प्लांट है, तो इसके साथ साथ ये जहरीले प्लांट भी है। तो खूबसूरती के साथ साथ ये जहरीले भी है, तो इससे दूरी बनाए रखें। वैसे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं, तो जो भी वैरायटी है मनी प्लांट के वो सभी जहरीले ही होते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये डेफेनबेचिया। डेफेनबेचिया का जो प्लांट है वो भी बहुत जहरीला होता है, और ये आकर्षित प्लांट है और एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इसको घर में अंदर खूबसूरती के लिए रखा जाता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है तो इसको ऑक्सीजन के लिए भी रखा जाता है। तो ये सुंदरता के साथ साथ दोस्तों ये बहुत ही जहरीला प्लांट है, और ये जब हम इसको कटिंग करते हैं या फिर इसकी पत्तियों को मुंह में ले लेते हैं तो ये जान से भी जा सकते हैं हम, छोटे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही जहरीला प्लांट है, तो इसको अगर रख रहे हैं तो छोटे बच्चों से दूर ही रहें, और हमें भी सावधानी रखें कि जब भी हम इसकी कटिंग करते हैं या कटिंग लगाते हैं तो इसको ग्लव्स पहन के ही लगाएं, डायरेक्ट हाथ से ना लगाएं, क्योंकि इसमें से जो लिक्विड निकलती है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत जहरीला होता है। इसलिए इससे दूरी बना के रखें, और इसको जब घर में रखें तो छोटे बच्चों से दूर ही रखें। ये देखने में तो बहुत प्यारा प्लांट है दोस्तों, और सुंदरता में बहुत ही अच्छा है, देखने में खूबसूरती देखता है, और ये खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत जहरीला प्लांट है, तो हमें इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। चौथा प्लांट है दोस्तों ये इम्फोर्बिया मिली। इम्फोर्बिया मिली के जो फूल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कांटों वाला प्लांट है और इसमें इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं, खूबसूरती के साथ साथ ये बहुत जहरीला प्लांट है दोस्तों। तो जब भी हम इसको कटिंग करते हैं तो इसमें से वाइट कलर के दूधिया कलर की एक लिक्विड निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही जानलेवा होती है, और ये जहरीला प्लांट है।
तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसे आप अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो इस प्लांट्स को मैं सलाह दूंगी कि आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको अगर गलती से भी इनको मुंह में अगर चला जाता है तो ये प्लांट बहुत जानलेवा हो जाता है। और हमें भी जब इसको कटिंग से लगा रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं तो इसको जब कटिंग से लगाएं तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसको इसका जो दूधिया जो लिक्विड होता है वो हमारे मुंह में चला जाता है तो वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, जिससे कि हमें जान गंवानी पड़ती है। तो ये प्लांट सुंदरता के साथ साथ जहरीला प्लांट भी है। पांचवा प्लांट है दोस्तों ये हमारा येलो कनेल। येलो कनेल एक बड़ा सा पेड़ जैसा बन जाता है अगर ज़मीन में लगाते हैं तो, और गमले में लगाते हैं तो वो भी घना सा प्लांट बन जाता है। तो ये इसके जो फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है। तो ये इसके जो फूल होते हैं सुंदर तो होते हैं, साथ साथ ये जिसके जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि इसके जो प्लांट्स हैं जो अगर हम फूल तोड़ते हैं तो इसमें से एक दूधिया रंग का लिक्विड निकलता है जो कि अगर हमारे आँखों में पड़ जाता है तो हम आँखों से अंधे भी हो सकते हैं। अगर सही वक्त रहते हम अपने आँखों को डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं तो इसके जो दूध निकल के हमारे आँखों में चला जाएगा तो हम अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए इससे जब फूल तोड़ते हैं तो उससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे आँखों के लिए। वैसे तो ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत है, देखिए मैंने ज़मीन में लगाया कितना बड़ा ये मेरा प्लांट हो गया है। तो ये सुंदरता के साथ साथ जहरीले प्लांट भी है, इससे बचा कर हमें रहना चाहिए। छठा प्लांट है दोस्तों ये धतूरे का प्लांट। धतूरे का फूल जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, आजकल बहुत सारे इसमें भी कलर हो गए हैं। और इसके जो फूल होते हैं और ये देखिए बीज है, ये भी बीज भी बहुत अच्छा लगता है और फूल भी इसके सुंदर लगते हैं। तो सुंदरता के साथ साथ ये जहरीले प्लांट भी है, इसको इसकी पूजा में भी शामिल किया जाता है। तो ये बहुत जहरीला है, इसके जो इसमें से भी दूधिया रंग निकलती है, लिक्विड निकलता है जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसमें अगर आँखों में पड़ जाता है तो भी इससे भी हम अंधे हो जाते हैं। अगर मुँह में अगर इसके दूध चला जाता है जो लिक्विड है उससे भी हम बहुत ज़्यादा जान को खतरा हो जाता है। तो ये प्लांट धतूरे के प्लांट अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर पूजा के लिए लगा रहे हैं तो इससे दूरी बना के रखें, तोड़ते वक्त सावधानी बरत के रखें। तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है और हमें सुंदरता के साथ साथ हमारे सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। सातवां प्लांट है दोस्तों ये चंपा का प्लांट। चंपा का प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होता है, इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, इसको भी पूजा में शामिल किया जाता है। इसके भी दो तीन कलर आ गए हैं, तो मेरे पास दो कलर हैं, ये रेड कलर के हैं और वाइट और येलो के शेड में हैं। तो जितने भी इसके वैरायटी हैं वो दोस्तों देखने में सुंदर तो इसके फूल होते ही है, इसको पूजा में भी शामिल किया जाता है, लेकिन वैसे उतना ही ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसमें से भी जो लिक्विड निकलता है वो दूधिया रंग की होती है। और जितने भी प्लांट में दूधिया रंग के लिक्विड निकलते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक और जहरीले होते हैं। तो जब हमारे आँखों में या फिर इसमें मुँह में चला जाता है तो हमें जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये फूल और प्लांट तो लगा रहे हैं, लेकिन इससे हमें सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो हमें ये नुकसान पहुंचाता है। और आठवां प्लांट है दोस्तों ये रबर प्लांट। रबर प्लांट एक एयर प्योरीफाई प्लांट है और देखने में भी इसकी पत्तियां जो होती है बेहद खूबसूरत होती है और इस बहुत चिकना होता है, बहुत चमकीला होता है। तो देखने में तो ये खूबसूरत है ही, साथ में ये जहरीला प्लांट भी है क्योंकि इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसको जब हम कटिंग करते हैं दोस्तों तो इसमें से वाइट कलर के दूधिया रंग इसमें से निकलता है, लिक्विड निकलता है जो कि हमारे हाथों के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर इसको भी काटते वक्त हम दस्ताने का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ से बहुत लोगों को इचिंग होने लगती है। वैसे इसमें ज़्यादा इचिंग नहीं होती है, लेकिन अगर इसका जो दूधिया लिक्विड है अगर मुँह में चला जाए तो वो जानलेवा हो सकता है, इसलिए ये जहरीला प्लांट है। तो खूबसूरती के साथ साथ ये जहरीला प्लांट भी है दोस्तों, तो इसको घर के अंदर भी लोग लगाते हैं, मैं भी घर के अंदर लगाई हूँ, लेकिन इससे हमें सावधानियाँ बरतनी होती है। तो जब ये प्लांट हम अंदर लगा रहे हैं तो बच्चों से दूर हमें अपनों से इसे सावधानियाँ बरतनी होती है, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है खूबसूरती के साथ साथ। नौवां प्लांट है दोस्तों ये आँख का प्लांट। आँख का प्लांट अक्सर पूजा इसके जो फूल होते हैं वो पूजा में शामिल किया जाता है, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आजकल तो कई सारे इसके कलर भी आ गए हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो देवताओं पर चढ़ाया जाता है, पूजा में शामिल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल प्लांट है, जहरीला प्लांट है। इसके पत्तियाँ चाहे ब्रांच या फूल जो भी हम मुंह में डालते हैं तो इससे हमारी जान भी जा सकती है। अगर इसके जो लिक्विड निकलता है, दूध निकलता है, वो अगर हमारी आँखों में जाती है तो हम अंधे भी हो जाते हैं। तो इस प्लांट्स को घर में लगाता तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब भी लगाते हैं तो इसे दूरी बना के रखते हैं। तो ये सभी को, या बच्चे हो बड़े हो, सभी को इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए और सावधानी से इसके फूल तोड़े या फिर इसको कटिंग से कहीं भी कट करके इसकी पत्तियाँ तोड़े। तो ये बहुत जहरीले प्लांट है सुंदर के साथ साथ,
और हमारा दसवां प्लांट है दोस्तों ये कनेल का प्लांट। कनेल का प्लांट बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, इसके बहुत सारे कलर आते हैं, ये रोड साइड में आसानी से मिल जाता है। इसमें रेड, वाइट, पर्पल, येलो सभी तरह के कलर आते हैं, लेकिन जो भी कलर हैं दोस्तों वो सभी हार्मफुल है। इसमें से भी दूधिया रंग का लिक्विड निकलता है जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ख़राब है और बहुत ही जहरीला ये प्लांट होता है आँखों के लिए। जब भी इसके दूध जो है आँख में गिर जाए तो हम शायद अंधे भी हो जाएं अगर सही समय पर इलाज ना करें, सही समय पर देख रेख ना करें। तो जब भी हम इसकी कटिंग लगाएं या फिर इसको तोड़ें तो इसको सावधानी से तोड़ें, इसके जो फूल तोड़े हो तो वो भी सावधानी से, क्योंकि जो इसके जो प्लांट होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर गमले में लगा रहे हैं तो ठीक है, छोटा प्लांट होता है, लेकिन अगर हम ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये पेड़ जैसा बन जाता है। तो जब भी इसको हम तोड़े इसके फूल को या फिर इसके ब्रांच को तो सावधानी से तोड़े, इसमें जो दूधिया रंग का लिक्विड है वो हमारे आँखों में ना जाए, मुँह में ना जाए। मुँह में भी जाने पर ये हानिकारक है और ये जहरीला प्लांट है। तो सुंदर फूलों के साथ साथ ये बहुत जहरीला प्लांट भी है। अगला प्लांट यानी 11वां प्लांट है दोस्तों, ये अडेनियम का प्लांट। अडेनियम का प्लांट के फूल जो होते हैं वो देखने में तो खूबसूरत होते ही हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी भी दोस्तों आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे कलर भी आ गए हैं, लेकिन जितने वैरायटी हैं जितने कलर हैं वो देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये बहुत जहरीला भी है, खासकर बच्चों के लिए। जो इसमें से भी लिक्विड पदार्थ निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जहरीला है, अगर वो हमारे मुंह में चला जाए तो इससे जान भी जा सकती है, आँखों में पड़ जाए तो अंधे भी हो सकते हैं। तो इसकी कटिंग जब हम करते हैं दोस्तों तो हमेशा ग्लव्स पहन के कट करें, नहीं तो ये हमारे जब हाथों में लग जाता है और उसको हम मुँह में डालते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल है, जहरीला बन जाता है। इसको छोटे छोटे मग कप में भी लगा लेते हैं लेकिन ये प्लांट खूबसूरती के साथ साथ जहरीला है। तो बच्चों से दूर रखें, अपने आप से को भी सेव रखें इस प्लांट से, क्योंकि ये प्लांट्स खूबसूरती के साथ साथ ये जहरीला प्लांट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। 12वां प्लांट है दोस्तों ये फर्न प्लांट। फर्न की कोई भी वैरायटी हो वो सब जहरीले होते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये हार्मफुल है, जहरीले हैं, क्योंकि अगर इनको तोड़ के मुंह में डालते हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे उनको तीता लगता है और मुंह में इचिंग होने लगती है, घाव निकल आता है, दाने दाने जीभ में निकल आते हैं। तो इसलिए बच्चों से इसको दूर रखें, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं ये हैंगिंग बास्केट का प्लांट है तो मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि इस प्लांट्स को अगर आप हैंग करके रखें तो बच्चों से दूरी बनी रहती है और देखने में भी ये प्लांट सुंदर लगता है। तो घर में लगाएं जरूर लेकिन इसको हैंग करके रखें, गमले में लगाएं तो बच्चों से दूर रखें। और इसके जो पत्तियाँ होती है वो देखने में बिल्कुल रैबिट जैसी होती है, पूंछ जैसी होती है, तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। खूबसूरती के साथ साथ ये थोड़े जहरीले हैं तो इसको लगाए जरूर, लेकिन अगर हम लगा रहे हैं तो अपने आप से भी सावधानी बरते और बच्चों से भी इसको दूरी बनाए रखें, तभी हमारे गार्डन में खूबसूरती भी बना रहता है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। 13वां जो प्लांट है दोस्तों ये है पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट बहुत ही खूबसूरत और एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसको घर के अंदर रखते हैं तो इसे ऑक्सीजन की कमी को पूरा होता है हमारे घर के अंदर और देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें व्हाइट कलर के सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये सुंदरता तो देते ही हैं, हरियाली भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, साथ साथ ये हमारे लिए जहरीले भी हैं। इसमें से भी अगर हम तोड़ते हैं इसकी पत्तियों को मुंह में लेते हैं तो हमारे ये लिए ख़तरनाक हो जाता है, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो ख़तरनाक होती हैं। तो इसको मुंह में ना ही डालें, ना बच्चों को मुंह में डालने दें। वैसे ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है और घर के अंदर रखने वाला चीज़ है, प्लांट है, तो इसको अपने आप से दूर रखें यानी बच्चों से दूर रखें। वैसे ये ऑक्सीजन युक्त प्लांट है तो ये बहुत खूबसूरत और जहरीला प्लांट है। और 14वां प्लांट है दोस्तों ये ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना के सही कई वैरायटी हैं और सारे वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इसमें से भी एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है दोस्तों, चाहे कोई वैरायटी हो, जब इसको हम कट करते हैं या फिर इसकी पत्तियां तोड़ते हैं तो इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि अगर हम अपने हाथों से तोड़ते हैं और उस हाथों को मुँह में लेते हैं तो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है, जहरीला होता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। तो देखने में तो ये सुंदर है दोस्तों लेकिन साथ साथ ये जहरीला है, तो इसलिए इसे बच्चों से दूर रखें, अपने आप से दूर रखें, यानी हम कोई भी इसका काम करें तो सावधानी से करें, इसकी कटिंग करें या फिर पत्तियां नोचें, जो भी हो तो उसको सावधानी से करें, तभी हमारे गार्डन में ये सुंदरता बना के रखते हैं और हम भी स्वस्थ और सेफ रहते हैं। तो ये सारे प्लांट्स बहुत ही खूबसूरती के साथ जहरीले होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं लेकिन जहरीले बहुत होते हैं। तो ये 14वां प्लांट था दोस्तों।
इस तरह दोस्तों प्राकृतिक ने हमें ढेर सारे पौधे गिफ्ट किए हैं जो कि गुण अवगुण दोनों पाए जाते हैं और इनमें गुण के साथ साथ अवगुण भी होते हैं। तो मैंने 15 प्लांट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जिनमें खूबसूरती के साथ साथ ऑक्सीजन होने के साथ साथ और मेडिसिन प्लांट होने के साथ साथ उनमें जहरीले प्लांट भी पाए जाते हैं, जहरीले भी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।